न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो आपके सिलेबस का मेन पार्ट है, उसको पढ़ने से पहले आपको जो जिस चीज से ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना है वो चीज के बारे में पता होना चाहिए। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जंक्शन तो मैंने बता दिया, जंक्शन के बारे में जनरल बात यह है कि जहां पर ये दोनों मिलते हैं। आज हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। इसको सिंपल हम न्यूरॉन बोल देते हैं, आप मोटर अभी मत यूज करेंगे, अभी आप सिर्फ न्यूरॉन बोलेंगे इसको। द न्यूरॉन और नर्व सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट मतलब काम करने वाली यूनिट न्यूरॉन कहलाती है, मोटर न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन कहलाएगी सिंपल। अब न्यूरॉन के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, सेंसरी न्यूरॉन भी आ जाएगा, मोटर न्यूरॉन भी आ जाएगा। जैसे अगर पूछा जाए कि स्केलेटल मसल की फंक्शनल यूनिट क्या है, अगर बोला जाए, या बेसिक यूनिट क्या है, तब आप बोल सकते हैं स्केलेटल मसल फाइबर, वो बोल सकते हैं आप, सबसे छोटी यूनिट उसकी वही है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन क्या है, आपका हार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन क्या है, आपका लंग्स। ऐसे ही नर्वस सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है आपके, कोई सिंगल नहीं है, ब्रेन को बोला जाता है, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। लेकिन फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी, न्यूरॉन। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट ट्रांसमिट, मतलब न्यूरॉन एक प्रकार के सेल्स हैं जिनका काम होता है सूचनाओं को, मैसेज को, या कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, ले जाना, भेजना, ठीक है, केमिकल एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में। मैसेज, जो भी मैसेज जाते हैं, इंफॉर्मेशन जाती है, वो इंपल्स के रूप में जाती है। इंपल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट करना, लिख भी रखा है कहाँ, इन ब्रेन, ब्रेन में ट्रांसमिट करना, फिर ब्रेन, फिर न्यूरॉन के माध्यम से पर्टिकुलर ऑर्गन, जिस ऑर्गन से मैसेज आया है, जिस जगह से मैसेज आया, उस पे फिर वहां पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाएगा ब्रेन, किसको देकर, न्यूरॉन को ही देकर। तो दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसीलिए इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन आर, अब न्यूरॉन किन चीजों से मिलके बना होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, आप देख भी रहे हैं। तो बेसिकली न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के तीन पार्ट्स माने गए हैं, और फिर उन पार्ट्स के पार्ट्स हैं, लेकिन तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है सेल बॉडी, पहला पार्ट क्या है, सेल बॉडी। दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स, तीसरा पार्ट है एक्सॉन। ये तीनों से ही मिलके क्या बना होता है, न्यूरॉन बना होता है। सेल, ये सोमा जिसे बोल रहे हैं, देखो लिख भी रखा है यहाँ पर, सोमा मतलब सेल बॉडी। डेंड्राइट्स जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं उस टाइप से है ये, और यहां से लेके पूरा वाला, ये पूरा एरिया, ये पूरा यहाँ तक एरिया, यहाँ तक ये होगा एक्सॉन। तो ये तीन पार्ट से मिलके न्यूरॉन बना होता है, लिखा भी हुआ है। द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन आर सोमा, सोमा मतलब सेल बॉडी, द एक्सॉन, एक्सॉन मतलब क्या है, अ लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। मतलब एक्सॉन जो एक बहुत लंबा, और यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकली रहती हैं, और ये इंपल्स या मैसेज को यहाँ से, ये पूरा एरिया से, सेल बॉडी से इंपल्स को इस तरफ ले जाएगा, ऐसे ट्रांसमिट करता है ये। और इस सेल बॉडी में कहां से इंफॉर्मेशन आई, इन डेंड्राइट से आई इंफॉर्मेशन, ये अभी आगे बताएंगे आपको, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। तीसरा क्या, डेंड्राइट्स ट्री लाइक या रूट लाइक, जड़ों की तरह स्ट्रक्चर है, दैट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन। जो डेंड्राइट्स हैं, ट्री या जड़ों की तरह संरचना है, ये रिसीव करते हैं मैसेज दूसरे न्यूरॉन से, और फिर ऐसे दूसरे न्यूरॉन के किस भाग से, इस भाग से, सेम ऐसे, फिर ये इससे अलग न्यूरॉन, फिर इससे अलग न्यूरॉन, ऐसे मैसेज ट्रांसफर होता है। और साइनेप्स, साइनेप्स भी न्यूरॉन का पार्ट है। क्यों बोलते हैं उसे साइनेप्स को, क्योंकि एक मैसेज तभी ट्रांसफर होंगे जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से साइनेप्स बनाएगा। साइनेप्स मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच का गैप, साइनेप्स। और अंतिम न्यूरॉन, अंतिम न्यूरॉन मतलब जो किसी स्केलेटल मसल फाइबर से जुड़ रहा है, जुड़ने का मतलब उसके पास जा रहा है, उनके बीच का गैप भी साइनेप्स ही कहलाता है। लेकिन और भी नाम है उसके, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप पढ़ेंगे, लेकिन साइनेप्स क्या है,
नॉर्मली साइनेप्स को बोलेंगे दो न्यूरॉन के जो बीच का एरिया होता है जब न्यूरॉन एक दूसरे से मिलते हैं और इम्पल्स का ट्रांसफर करते हैं, मैसेज का ट्रांसफर करते हैं, उसके बीच का गैप जो होता है वो साइनेप्स कहलाता है। ये भी न्यूरॉन का ही पार्ट बोलते हैं क्योंकि बिना साइनेप्स के क्या होगा, मैसेज, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या केमिकल इंपल्स के रूप में नहीं ट्रांसफर हो पाएगी, इसलिए साइनेप्स को भी पार्ट बताया गया है। तो ये पूरा न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है, सिंपल न्यूरॉन। अभी मोटर भी हो सकता है, सेंसरी भी हो सकता है। न्यूरॉन्स आर बेसिक फंक्शनल यूनिट, ये भी बता दिया मैंने, नर्वस सिस्टम, एंड दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। देखो न्यूरॉन ही एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं जिसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का बीच का एक्सोन वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ ये इसके जो एक्सोन टर्मिनल है, और ये है इधर वाला पार्ट है डेंड्राइट, ये डेंड्राइट वाला पार्ट है मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यहाँ प्लस नेगेटिव प्लस माइनस चार्ज के रूप में इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहता है, ठीक है। जब ये चार्ज चेंज होता है, सेम यहाँ पे देखो, ये माइनस 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 चार्ज और ऊपर प्लस प्लस चार्ज होता है। जब ये क्या, ये एरिया मान लीजिए यहाँ पर चार्ज चेंज हुआ, प्लस माइनस की जगह चला गया, माइनस प्लस की जगह चला गया, इसका मतलब अब इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहीं पर है बस, ना इधर है ना इधर है, सिर्फ यहीं पर है। इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल जो है वो यहीं पर डेवलप्ड हुआ है, और जहां पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ है इसका मतलब मैसेज वहीं तक पहुंच चुका है, अभी ना आगे पहुंचा है ना पीछे रह गया, बस मैसेज अभी यहाँ पहुंचा है। फिर इससे आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे चार्ज चेंज होगा इस एरिया में, फिर एक्शन पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक्सोन टर्मिनल तक जाएगा एक्शन पोटेंशियल। तो सेम जो बता रखा है कि न्यूरॉन ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डेवलप करता है जिसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, विच अलाउ देम टू क्विकली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यही एक्शन पोटेंशियल क्या करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, और एलोबरेट करेंगे इस एक्शन पोटेंशियल को, यही एक्शन पोटेंशियल क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इंफॉर्मेशन को, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, और एंड में जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को इंफॉर्मेशन देनी है, हम तो भाई स्पोर्ट्स वाले हैं तो स्केलेटल मसल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जिस लास्ट जिस स्केलेटल मसल्स को इंफॉर्मेशन देनी है वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज नर्व सेल, ये भी मैंने बता दिया है, सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन। ये ध्यान रखना न्यूरॉन का दोनों काम है, सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इंफॉर्मेशन कुछ भी बोल दो, उसको देती भी है लेती भी है, मतलब रिसीव भी करती है और भेजती भी, सेंड भी करती है, और फ्रॉम योर ब्रेन। व्हाइल न्यूरॉन हैव ए लॉट इन कॉमन विद अदर टाइप्स ऑफ सेल, दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली यूनिक। इसलिए से सेम लिटरेचर वही है। मैं लिटरेचर इतना क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इस लिटरेचर में कोई ना कोई ऐसी लाइन आपको मिल जाए जो नेट में पूछी जाए, इसलिए। दे रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज कैरिड आउट इन बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स, दे आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन दैट फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स और मेन न्यूरॉन जो है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, वही इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। द सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को लेते हैं फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर सेल। सेंसरी रिसेप्टर सेल कहाँ पर होती है, लिख भी रखा है, सेल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रेन। सेंसरी रिसेप्टर्स हर जगह होती हैं, इंटरनल ऑर्गन में भी एक्सटर्नल में भी। इंटरनल ऑर्गन में तो सब जगह होगी, एक्सटर्नल में जो हमारे सेंसेस हैं, जो आउटर एनवायरनमेंट से डील करेंगे, जो मैंने सेंस बताए थे आईज ईयर नोज ये सब चीजें, उन सब में सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो उनसे सेंसरी न्यूरॉन अटैच रहते हैं, और वो सेंस ऑर्गन्स सेंसरी सेल्स इंफॉर्मेशन को आउटर एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं। लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है, सेम वही कंडीशन होती है। हार्ट से, हार्ट में भी सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, लंग्स में भी सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, हर जगह सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और वो इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर ऑर्गन से, या तो हार्ट से या लंग्स से, जिसको जरूरत है उससे सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं,
वो ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसने एक्ट भी करवाना है। वेयर एज द मोटर न्यूरोन, दूसरा न्यूरोन जो है, सेंसरी न्यूरोन को अफरेंट न्यूरोन भी कहते हैं, और मोटर न्यूरोन दूसरा जो न्यूरोन है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, या मसल्स इसलिए बोल दिया है क्योंकि भाई हम स्केलेटल मसल्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उससे डील कर रहे हैं, तो स्केलेटल ब्रेन टू द मसल्स। अभी जो मोटर न्यूरोन है इनको इफरेंट न्यूरोन भी बोला जाता है। तीसरे न्यूरोन जो होते हैं इंटर न्यूरोन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट न्यूरोन इन द बॉडी, एक तीसरे टाइप के होते हैं इंटर न्यूरोन्स, और ये आपकी बॉडी में ना पाकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही बिखरे रहते हैं, आपके ब्रेन में ही रहते हैं इंटर न्यूरोन। इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं डिटेल में, सेंसरी न्यूरोन क्या होते हैं, मोटर न्यूरोन क्या होते हैं, और तीसरा इंटर न्यूरोन्स क्या होते हैं। ज्यादा रोल किसका है, सेंसरी और मोटर का, क्योंकि जो इंटर न्यूरोन्स है वो पूरी बॉडी में नहीं फैले हैं, वो आपके ब्रेन में ज्यादा रहते हैं वहां पर। तो स्पेशलाइज प्रोजेक्शन कॉल्ड एक्सॉन अलाउ न्यूरॉन टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। देखो नेट के पर्पस से ध्यान रखना, एक्सॉन जो होते हैं ये जो एक्सॉन है यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर कराने में हेल्प कर रहे हैं, और एक्चुअल में ये जो एक्सॉन के टर्मिनल है यहीं पे क्या होता है सबसे लास्ट मैसेज, सबसे लास्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां पर जाता है, और ये जो एक्सॉन टर्मिनल है ये किसके पास रहते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स के पास रहते हैं, बिल्कुल, और इसी पार्ट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसी को बोला जाता है। तो एक्चुअल में एक्सॉन टर्मिनल, एक्चुअल में क्या है, एक्सॉन टर्मिनल जो है वो एक्सॉन मतलब यहां से लेके ये पूरा एक्सॉन वाला पार्ट है पूरा, और एक्सॉन का टर्मिनल मतलब लास्ट वाला पार्ट है, और यहीं पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, कहां पर, एक्सॉन टर्मिनल्स पे। लेकिन मैसेज तो आएगा एक्सॉन की तरफ से ही, एक्चुअल में सेल बॉडी की तरफ से आ रहा है मैसेज, एक्चुअल में डेंड्राइट की तरफ से मैसेज आ रहा है, उसने सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी से मैसेज यहां पर गया एक्सॉन में, एक्सॉन से मैसेज इस सब जगह इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंच गई। तो सेम वही है यहाँ पे बता रखा है कि स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब ऐसे उंगली के समान निकला हुआ, कॉल्ड एक्सॉन अलाउ न्यूरॉन टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल टू अदर सेल्स, अदर सेल्स दूसरी न्यूरॉन भी हो सकता है और लास्ट स्केलेटल मसल्स भी हो सकता है। न्यूरॉन कैन ऑल्सो रिसीव दीज सिग्नल्स वाया रूट लाइक एक्सटेंशन नोन एज डेंड्राइट्स, मतलब इससे ये जो न्यूरॉन, देखो ये जो ये न्यूरॉन है पूरा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का यहाँ पर, तो ये जो एरिया है ये एक्सॉन टर्मिनल है, और ये किससे जुड़ा होगा, मैंने बताया था या तो स्केलेटल मसल से या दूसरे न्यूरॉन के इस पार्ट से, दूसरे न्यूरॉन के इस पार्ट से, ये जो पार्ट इससे, इसे बोलते हैं डेंड्राइट। अब आपने ध्यान रखना है, नेट के पर्पस से एक लाइन और बोल रहा हूं, यदि एक्सॉन का टर्मिनल किसी स्केलेटल मसल फाइबर से जुड़ रहा है, मतलब उसके पास जा रहा है और वहां पर मैसेज प्रोवाइड दे रहा है, मैसेज ट्रांसफर कर रहा है किसी स्केलेटल मसल फाइबर को, तो उसके बीच का एरिया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है, और वो जो न्यूरॉन स्केलेटल मसल फाइबर को इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ध्यान रखना उसे बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, भूलना मत इसको, क्या बोलेंगे उसे, मोटर न्यूरॉन। फिर से बोल रहा हूं मैं कि यदि जिस न्यूरॉन, जो न्यूरॉन स्केलेटल मसल फाइबर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और जिस न्यूरॉन का एक्सॉन का ये टर्मिनल, कि जितने भी टर्मिनल है ये स्केलेटल मसल फाइबर से जुड़ रहे हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रहे हैं, उस एरिए में उस न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन कहेंगे, क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन, ध्यान रहेगा। अब एक लाइन और जोड़ रहा हूं उसमें नेट के पर्पस से, और यही पूछी जाएगी जो मैं बोल रहा हूं, इस वाले मोटर न्यूरॉन को, मतलब जो न्यूरॉन स्केलेटल मसल फाइबर से जुड़ रहा है उसे मोटर न्यूरॉन तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको बोला जाता है अल्फा मोटर न्यूरॉन, अल्फा मोटर न्यूरॉन उसे ही बोला जाता है। अल्फा और बीटा दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं,
ठीक है, दो टाइप के मोटर न्यूरॉन उनको डिवाइड किया गया, मतलब उनका नाम रख दिया गया है। अल्फा मोटर न्यूरॉन वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं मैसेज पहुंचाने में, मतलब सभी प्रकार के स्पोर्टिंग मूवमेंट, स्पोर्ट्स वाले मूवमेंट में अल्फा न्यूरॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, मैसेज ट्रांसफर कर रहा है स्केलेटल मसल फाइबर को जिसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। और को आप इंडिविजुअल कोई जंप कर रहा है तो जंप के टाइम पे हाथ भी घूम रहे हैं, या रनिंग कर रहा है हाथ भी घूम रहे हैं पैर भी घूम रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्शन देखो हर जगह हो रहा है, हाथ में भी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है पैरों में भी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो जो पैरों की मसल्स की तरफ मोटर न्यूरॉन जा रहे हैं वो वहां मैसेज भेजेंगे, जो हाथों की तरफ मोटर न्यूरॉन जा रहे हैं हाथों के स्केलेटल मसल्स पे वो उधर मैसेज भेजेंगे। तो देखो ये नहीं कि एक ही जगह भेजेगा, जितने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जितने ज्यादा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है सब जगह इंफॉर्मेशन ब्रेन के द्वारा भेजी जाएगी। किसके द्वारा? ब्रेन के द्वारा। मैं जैसे मुझे यहां से मान लीजिए मुझे इस हाथ को ऐसे करना है तो ब्रेन ने देखो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज सिर्फ इसी हाथ को भेजा है, ये हाथ क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसने इंटरप्रिटेट कर लिया ऑलरेडी कि भैया इसी हाथ को ऊपर नीचे करना है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन आपने करना है। तो देखो ब्रेन, इसलिए तो ब्रेन को सेंट्रल कंप्यूटर भी बोलते हैं आपके पूरे नर्वस सिस्टम का, क्योंकि उसने ही बताना है। ऐसे रनिंग के टाइम पे हो गएगा भाई पैरों को भी घुमाना है इस व्यक्ति ने और हाथों को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, हाथों की मसल्स को और पैरों की दोनों, तो भाई दोनों तरफ मैसेज भेजते हैं कि भाई कॉन्ट्रेक्शन करो। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या हुए, जो वॉलंटरी कंट्रोल वाले जितने भी मूवमेंट होते हैं उसमें जो मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं। बीटा न्यूरॉन दूसरे होते हैं, बीटा न्यूरॉन जो होते हैं वो सिर्फ ऐसे इनवॉलंटरी स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। कौन से ऐसे वॉलंटरी इनवॉलंटरी हैं? जैसे मैंने बताया था रिफ्लेक्स एक्शन, तो एक्चुअल में अल्फा मोटर न्यूरॉन का काम मैंने आपको बता दिया है, जितने भी टाइप के वॉलंटरी एक्शन होंगे, वॉलंटरी मतलब जो भी स्पोर्टिंग मूवमेंट है वो सारे के सारे अल्फा मोटर न्यूरॉन के माध्यम से ही स्केलेटल मसल फाइबर में इंफॉर्मेशन जाएगी और उसके अलावा किसी न्यूरॉन के माध्यम से नहीं जाएगी। नेट के पर्पस से दो तीन लाइनें मैंने आपको बता दी है। न्यूरॉन कैन रिसीव दिस सिग्नल वाया रूट लाइक एक्सटेंशन डेंड्राइट। अब देखो या तो नर्व टू नर्व, ध्यान रखना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जब जुड़ रहा है उससे ट्रांसफर हो रहा है मैसेज का इलेक्ट्रिकल इंपल्स का, उसे बोलते हैं नर्व टू नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। उसमें क्या होता है, एक न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू मैसेज को इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन को दे रहा है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है ये वाला एक्सॉन टर्मिनल, ये दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा रहेगा और इसको इंफॉर्मेशन पास करेगा। तो ये दूसरा यहाँ पे बना हुआ, अगर यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन बना होता यहाँ पर तो वो उसको पास करता, फिर इससे इंफॉर्मेशन फिर सेल बॉडी में गई, सेल बॉडी से फिर दूसरे वाले न्यूरॉन में यहाँ पे गई, फिर ऐसे तीसरे न्यूरॉन में चौथे न्यूरॉन में ऐसे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास होगी। इसे तो बोलेंगे नर्व टू नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। हमारे फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स में हम पढ़ते हैं नर्व टू मसल इंपल्स ट्रांसमिशन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का वो तो जब पढ़ाएंगे तब उसे बताएंगे, या मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं, नर्व टू मसल इंपल्स ट्रांसमिशन, नर्व टू मसल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन या नर्व टू मसल इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिशन, वो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में जिसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।